गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे जन्म से लेकर एक वर्ष तक की जो उम्र की अवस्था होती है, जिसे शैशवावस्था कहा जाता है या पीरियड ऑफ इन्फेंसी कहा जाता है, उसके अंदर किस प्रकार से शिशु की पोषणात्मक देखभाल की जाए, यानी न्यूट्रिशनल केयर किस तरह से करनी है। सबसे इम्पॉर्टेंट बात तो ये होती है कि ये जो अवस्था होती है 0 से 1 वर्ष तक की अवस्था, ये बहुत ही महत्वपूर्ण अवस्था होती है, क्योंकि यही वो टाइम होता है जिसमें वृद्धि और विकास की दर सर्वोत्तम होती है। यानी सबसे ज़्यादा जो विकास और वृद्धि होता है वो इसी समय होता है। और यहाँ पर अगर किसी भी प्रकार से पोषण और स्वास्थ्य में के देखरेख में कहीं भी अनदेखा किया गया तो वो उसके जीवन पर उसका प्रभाव पड़ता है। तो यहाँ पर इम्पॉर्टेंट होता है कि जो माता पिता हैं शिशु के शारीरिक वृद्धि और विकास के लिए जिन भी पौष्टिक तत्वों की आवश्यकता होती है, स्वास्थ्य के लिए जो भी ज़रूरतें हैं उनकी पूर्ति करना बहुत ही आवश्यक होता है। तो यहाँ पर हम देखें कि शिशु के जो अगर संतोषप्रद विकास हो रहा है या नहीं हो रहा है तो हमें कुछ चीज़ों को देखना पड़ेगा। तो यहाँ पर जो हम देखते हैं कि अगर शिशु के वज़न में निरंतर वृद्धि हो रही है, इसका मतलब यह है कि शिशु का जो वृद्धि और विकास है वो सही से हो रहा है। इसके अलावा लंबाई में अगर सही से वृद्धि हो या संतोषजनक मल विसर्जन हो रहा हो, इसके अलावा गहरी निद्रा अगर शिशु लेता हो, प्रसन्नचित रहता हो, आनंदित रहता हो, चंचल हो, या इसके अलावा त्वचा के नीचे वसा का संग्रह उसके अंदर वृद्धि हो रही है, मांसपेशियां सख्त है उसके अंदर, वो थोड़ा सा खड़ा होने लगे और 1 वर्ष का होते होते अगर वो बिना सहारे के चलने लगे, इसका मतलब ये है कि शिशु का जो वृद्धि और विकास है वो सही प्रकार से हो रही है। अब शैशवावस्था में जो पौष्टिक तत्वों की आवश्यकता है, यानी कि जो जो न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट ड्यूरिंग इन्फेंट है, तो उसमें हम बात करें कि क्योंकि शिशु की इस समय वृद्धि और विकास की दर सबसे ज़्यादा होती है, तो यहाँ पर जो आवश्यकता होती है वो कैलोरीज़ की आवश्यकता है। क्योंकि अगर कैलोरीज़ कम होगी या प्रोटीन कम होगा या किसी भी प्रकार से कोई भी न्यूट्रिशन कम होगा तो वहाँ पर उसका प्रभाव उसके ग्रोथ पर पड़ेगा, उसके डेवलपमेंट पर पड़ेगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कैलोरीज़ की, यानी कैलोरीज़ की जो मांग है उसके शारीरिक वज़न के ऊपर निर्भर करती है। इसके अलावा बच्चों की जो क्रियाशीलता होती है, यानी एक्टिविटी हम कहें, और वज़न में के अंतर के अनुसार कैलोरी की मांग में भी अंतर आ जाता है। तो यहाँ पर हमने जो देखा है कि 3 तरह से हमने इसको डिवाइड किया है। एक तो 0 से 2 महीने में कैलोरीज़ की आवश्यकता, इसके अलावा 3 से 6 महीने में कैलोरीज़ की आवश्यकता, और 7 से 12 महीने में कैलोरीज़ की आवश्यकता। तो यहाँ पर हम देखेंगे जो सबसे ज़्यादा वृद्धि है उस समय जो आवश्यकता है, शुरू में जो आवश्यकता होती है यानी 0 से 2 महीने में 120 किलो कैलोरीज़ प्रति किलोग्राम शरीर भार के हिसाब से ऊर्जा की आवश्यकता होती है। 3 से 6 माह में जो आवश्यकता है वो 110 किलो कैलोरीज़ प्रति किलोग्राम शरीर भार, और 7 से 12 महीने में देखें तो 100 किलो कैलोरीज़ प्रति किलोग्राम शरीर भार के हिसाब से ऊर्जा की आवश्यकता होती है। यानी ये कहा जा सकता है कि जो कैलोरीज़ की आवश्यकता है उसके अनुसार कैलोरी की अगर पूर्ति ना हो पाए तो वज़न में कमी आने लगती है, फलतः शारीरिक वज़न वृद्धि की गति धीमी और मंद हो जाती है। दूसरी बात हम देखें कि प्रोटीन जो है, जो कि काफ़ी आवश्यक होता है वृद्धि और विकास के लिए, हर कोशिका की वृद्धि होती है विकास के लिए, कार्य क्षमता के लिए, इसके अलावा हार्मोन्स हैं, सभी के निर्माण के लिए प्रोटीन की आवश्यकता भी काफ़ी पड़ती है। तो यहाँ पर अगर प्रोटीन में कमी हो जाए तो ये जो प्रोटीन है उसकी आवश्यकता भी शरीर भार के हिसाब से ही की जाती है। तो जो शुरू में शरीर भार के हिसाब से देखा जाए तो प्रोटीन की जो आवश्यकता है वो 2.2 ग्राम पर किलोग्राम शरीर भार के हिसाब से प्रोटीन आवश्यक होता है, और 3 से 6 महीने में जो यहाँ पर हम देख रहे हैं 2.0 ग्राम प्रति किलोग्राम शरीर भार के हिसाब से, और 7 से 12 महीने में 1.8 ग्राम प्रति किलोग्राम शरीर भार के हिसाब से प्रोटीन की आवश्यकता होती है। अब हम यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट को देखें तो कार्बोहाइड्रेट जो है वो शिशु का जो प्रमुख आहार दूध होता है, वहाँ से लैक्टोज शर्करा पाई जाती है जिसके अंदर वहाँ से कार्बोहाइड्रेट की प्राप्ति होती है। और गाय के दूध में माता के दूध की अपेक्षा शर्करा जो होती है काफ़ी कम होती है, अतः इसमें चीनी शर्करा जो है वो भी रहती है। इसके अलावा अगर हम वसा की बात करें तो वसा से शरीर को ऊर्जा और उष्मा मिलती है। वसा शिशु के उत्तम स्वास्थ्य के लिए भी आवश्यक होती है। वसा के द्वारा आवश्यक वसीय अम्ल और तथा वसा में घुलनशील जितने भी विटामिन से, जिसके अंतर्गत विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और के आते हैं, वो भी इनसे प्राप्त होते हैं। विटामिन्स की हम बात करें जो कि प्रोटेक्टिव फूड्स होते हैं, तो प्रोटेक्टिव फूड्स के अंदर जितने भी विटामिन्स हैं वो शरीर के लिए काफ़ी आवश्यक होते हैं।
और इसके अंदर अगर हम देखें तो शिशु के उत्तम स्वास्थ्य के लिए जैसे 1500 आयु जो है विटामिन ए की आवश्यकता होती है, 400 आयु विटामिन डी की आवश्यकता, और इस तरह से देखा जाए तो सभी विटामिन्स, चाहे वो पानी में घुलनशील विटामिन हो और चाहे वो वसा में घुलनशील विटामिन हो, सब की आवश्यकता शिशु को पड़ती है। इसके अलावा खनिज लवण की हम बात करते हैं तो खनिज लवण के अंतर्गत जो मुख्य रूप से आयरन है, कैल्शियम है जो कि हड्डियों के लिए काफ़ी आवश्यक होता है, इसके अलावा आयोडीन जो कि दूध से प्राप्त नहीं होता है, तो आयोडीन की पूर्ति के लिए पूरक आहार के द्वारा ही की जाती है। अब ये जो पूरक आहार जो दिया जाता है शिशु को, इसको हम मुख्यतः तीन भागों में डिवाइड करते हैं, जिसके अंदर सबसे पहले बात करते हैं तरल पदार्थ की यानी लिक्विड डाइट, दूसरा अर्ध तरल सेमी लिक्विड डाइट, और तीसरा जो होता है ठोस आहार यानी जो सॉलिड डाइट है। तो ठोस आहार भी दो प्रकार से डिवाइड किया जा सकता है, जैसे मसला हुआ ठोस आहार या बिना मसला हुआ ठोस आहार। तो हम यहाँ पर देखें जो लिक्विड डाइट है जो कि शिशु को स्टार्टिंग में दी जाती है, उसके अंदर माता का दूध होता है, गाय भैंस बकरी आदि का दूध होता है, या फलों का रस जो है, दाल का पानी है, चावल का मांड है, इसके अलावा कॉड लिवर ऑयल है, सब्जियों का सूप है, इस तरह का जो लिक्विड डाइट के अंदर पूरक आहार में सम्मिलित किया जाता है। जब अर्ध तरल पदार्थ उनको दिए जाते हैं तो उसके अंतर्गत जो पदार्थ दिए जाते हैं उसके अंदर मुख्यतः खिचड़ी है, दलिया है, सूजी की पतली खीर हो सकती है, उबली हुई दाल हो सकती है, उबली हुई सब्जियाँ हो सकती है, इसके अलावा नमकीन दलिया, सब्जियों का जो थोड़ा सा पका करके दिया हुआ एक गाढ़ा सा पदार्थ भी दिया जा सकता है। जब ठोस पदार्थ की शुरुआत की जाती है, जब उसके दांत आने लगते हैं, तो उसमें मसली हुई सब्जियों के अंतर्गत हम उबली हुई सब्जियां हैं, दाल रोटी मसल कर, दूध केला है, थोड़ा सा स्ट्यू किए हुए फल हैं, आम का शेक है, केले का शेक है, इस तरह की चीज़ें हम उसको दे सकते हैं। बिना मसला हुआ होता है जिसके अंदर रोटी सब्जी है, गाजर है, सेब है, ब्रेड बिस्किट मठरी डबल रोटी या दाल चावल है, परांठे है, इस तरह की चीज़ें उसको ठोस आहार के उसमें दी जा सकती है। अब जो नवजात शिशु का आहार होता है मुख्यतः तो देखा जाए तो माँ का दूध होता है सर्वोत्तम आहार है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि वो शिशु माँ का दूध नहीं पी सकता है, तो उस समय उसके लिए फार्मूला दूध जो है वो तैयार किया जाता है, जिसके बारे में हम आपसे यहाँ पर बात करेंगे। तो फार्मूला किस तरह से बनाया जाए, तो ये इम्पॉर्टेंट होता है कि जो फार्मूला बनाते समय जिसके अंतर्गत हमें ये देखना पड़ता है कि किस प्रकार का दूध दिया जाए और कितनी मात्रा में दिया जाए, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है। तो यहाँ पर जो भी हम दूध दे रहे हैं, जिसमें चाहे गाय का दूध हो या भैंस का दूध हो, बकरी का हो, पाउडर का दूध है, शिशु को पोषण हेतु जो दिया जाता है उसे फार्मूला कहा जाता है। अब ये फार्मूला किस तरह से तैयार किया जाता है, इसके लिए सबसे पहले हम देखते हैं कि जो तैयार फार्मूले के प्रति औंस से 18 से 20 किलो कैलोरीज जो है ऊर्जा प्राप्त होनी चाहिए, क्योंकि बच्चे के शारीरिक वजन के अनुसार उसे प्रति पाउंड के लिए प्रतिदिन 2 औंस दूध दिया जाना आवश्यक होता है। अब ये जो है बच्चे के शारीरिक वजन के अनुसार 24 घंटे में 2.5 औंस प्रति पाउंड के हिसाब से तरल पदार्थ की आवश्यकता उसको पड़ती है, तो ये उसे दिया जाना चाहिए। अब फार्मूला तैयार करते समय हमें कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए, जैसे उसमें दूध साफ़ सुथरा होना चाहिए, स्वच्छ होना चाहिए, जीवाणु विषाणु और रोगाणु रहित होना चाहिए, सुपाच्य होना चाहिए, और शिशु की आवश्यकता अनुसार शक्ति और ऊर्जा प्राप्त हो, ताकि शिशु का पूर्ण पोषण हो सके, उनका वृद्धि और विकास में कोई कमी ना हो। अब ये जो गाय और भैंस के दूध से, दूध के पाउडर से जो तैयार किया जाता है फार्मूला, उसके लिए उबलते पानी में दूध के पाउडर को घोला जाता है, वह आवश्यकता अनुसार शक्कर मिलाई जाती है। दूध में उबला हुआ पानी मिलाना चाहिए, इसे बहुत ज़्यादा पतला या बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं रखना चाहिए, और दूध तैयार करने के लिए दूध के डिब्बे पर जो निर्देश अंकित होते हैं उसे पढ़कर ही फार्मूला दूध तैयार करना चाहिए। तो यहाँ पर जो ऊपरी दूध पिलाते समय हमें कुछ सावधानियाँ भी देखनी होगी, जिसमें बर्तन जिसमें दूध रखा गया है वो साफ़ सुथरा होना चाहिए, स्वच्छ होना चाहिए, विसंक्रमित होना चाहिए, यानी उसको पहले से उबाल करके धूप दिखा करके रखना चाहिए। दूध को पिलाने से पूर्व अच्छी तरह उसे उबाल लेना चाहिए। बिना उबला हुआ दूध शिशु को कभी भी नहीं पिलाना चाहिए, क्योंकि उसमें कई बार बैक्टीरिया होने की संभावना ज़्यादा होती है। बोतल से दूध ना पिला जाए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, इसके लिए दूध पिलाने के लिए कटोरे और चम्मच का उपयोग ही किया जाना चाहिए। शिशु को दूध पिलाने से पूर्व अपने हाथों को और कटोरी चम्मच को खूब अच्छी तरह से साफ़ कर लें, अच्छे से पानी से कटोरी चम्मच को उबाल करके काम लेना चाहिए। दूध को स्वाद बढ़ाने के लिए कई बार दूध उबलते समय दूध में थोड़ी सी सौंफ की पोटली बांध कर डाल देनी चाहिए, जो कि डाइजेशन में काफ़ी अच्छी होती है। इसके अलावा शिशु को प्रारंभ में जानवर का दूध पिलाते समय दूध एवं पानी का जो अनुपात है 1:1 होना चाहिए, यानी दोनों बराबर होने चाहिए, पानी भी उबला हुआ होना चाहिए,
और यदि शिशु इसे पचा लेता है तो पानी का अनुपात धीरे धीरे कम कर देना चाहिए। और ये जो पाचन क्षमता, ये शिशु की पाचन क्षमता, शारीरिक के वजन और अवस्था पर निर्भर करता है। 9 माह का शिशु शुद्ध गाय का दूध पचा लेता है तो धीरे धीरे जो पानी की मात्रा है वो कम कर देनी चाहिए। इसके अलावा दूध को सुपाच्य बनाने के लिए 1 लीटर दूध में 1 औंस ताज़ा नींबू का रस या 2 औंस ताज़ा संतरे का रस मिला देना चाहिए। इसमें दूध में बफर लवण यानी बफरी कैपेसिटी जो है उसकी क्षमता डेवलप होती है और दूध सुपाच्य हो जाता है। इसके अलावा दूध पिलाने वाला जो व्यक्ति है उसको भी साफ़ सफाई का विशेष ध्यान रखना चाहिए। दूध की पाचकता और पौष्टिकता बढ़ाने के लिए किसी भी मिट्टी के बर्तन में थोड़ा सा चूना भिगो दें, फिर उसका पानी निथार करके किसी शीशी में रख लें। तो बच्चे को दूध पिलाते समय इस निथरे हुए चूने के जल की 2 बूंद जो है उसको कटोरी में डालकर भी शिशु को पिलाएं, इससे भी दूध जो है वो सुपाच्य और पौष्टिक हो जाता है। इसके अलावा दूध पिलाते समय दूध, पानी और शक्कर को मिलाकर गर्म करना चाहिए, फिर ठंडा होने के बाद ही शिशु को जो है उसको पिलाना चाहिए। इसके अलावा जब अगर बॉटल से दिया जाता है तो बॉटल जो बाज़ार में उपलब्ध है उसका विशेष ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि वो जो है कई बार इन्फेक्शियस हो जाती है, उसमें संक्रमण होने की संभावनाएँ बहुत ज़्यादा होती है। तो बॉटल्स को हमेशा साफ़ सुथरा रखें, उसको धो करके ही काम में लें, उबाल करके काम में लें, उसको नहीं संक्रमित कर ही काम में लिया जाना चाहिए।